बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आप लोगों का। बारिश हो रही थी तो सड़क के ऊपर से पहले एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा है, वो ना खड्डे में लगा है, वो निकल गया है। उसके बाद एक रिक्शा आया, उसमें एक फैमिली थी, तो वो रिक्शा लग के तो रिक्शा उलट गया। जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया था उनकी हंसी की आवाज आ रही थी बीच में कि वो गिरे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके ऊपर कोई लकड़ी लगाकर उसके ऊपर कोई कपड़ा लगा सकते हैं, मतलब कोई पत्थर रख सकते हैं कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे खड्डा है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी होंगे। क्या सही कह रहा हूँ कि नहीं? थैंक यू। सीरियस गल्ला ना करया कर काका। क्यों चाचा? हरकतां तेरियां बांदर वालियां ते गल्ला सीरियस। सबको छोड़े, पेंट देखिए उनके, एक से एक पेंट पहन के आते हैं, इतने खाके बने हुए, ट्रायंगल बना हुआ, सर्कल बना हुआ, पता नहीं क्या क्या बना हुआ। आप भी तो देखे ना, ₹7 वाला गुड्डा बनी हुई है। जिसको बच्चे कह रहे होते हैं, ओए इसकी पिछली तनाह को गंड दे, अबे साइड पे कन्नी बांध, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। अच्छा चाचा मुझे एक बात बता, तू गांव से आता है हमारे शो के ऊपर, ना कोई साग, ना कोई देसी घी, ना को वो कोई पंजीरी, फजूल में आके बैठ जाता है, कोई पतीसा लेके आता है बंदा, ढोला पतीसा। गल करती मेरा दिल तोड़ता है, मैं आज भी देसी घी, साग, मक्खन, अचार लेके आया। तो किधर है वो? मेरा रस्ते च ही बिक गया सी। मुझे लगा मेरे लिए ये पतीसा लेके आए होंगे गांव से। अच्छा माशाल्लाह, कितनी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें पतीसे का कैसे पता? मैं खुशाब से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा खुशाब से, वहाँ तो लोग बड़े खुश्क होते हैं सुना। खुश्क बात कोई करो, जवाब कोई देते हैं। टोडा ही इतना मशहूर है उठे का इलाका, देखो केड़ा। माशाल्लाह चाचा तू भी फुल खज्जल हो यहाँ। जी खवातीनों हजरात, ये हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, बारी है मेरे मेहमान की। फिल्म स्टार है, टीवी सीरियल्स में काम किया, मॉडलिंग की, थिएटर भी किया। आपकी तालियों को गूंज में तशरीफ ला रही हैं फिल्म स्टार लैला। जी लैला जी, आजकल क्या हो रहा है आपकी आने वाली लाइफ में और जाने वाली लाइफ में? मैं एक फिल्म कर रही हूँ माशाल्लाह, काफी लंबी ब्रेक के बाद। हाँ वाकई, प्रॉपर लव स्टोरी प्लस हॉरर। आठ नौ साल पहले मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। अच्छा, फिल्मों का मैयार क्यों काम छोड़ा क्यों था? वो सही बन नहीं रही थी या आपसे सही काम हो नहीं रहा था? मेरी बात सुने, मैंने निक्की जी हाँ के अवार्ड लिए। वो तो कोई बात भी नहीं थी, निक्की जी हाँ कितना के अवार्ड होगा उसका। अच्छा लैला जी, काफी लोग हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपने शादी नहीं की। आजकल तो ऐसे कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैंने अभी तक क्यों नहीं की शादी। मैं भी नहीं की थी, ताड़े चक्कर जी मुछा चिट्टियां हो गई हैं। इनको तो बस मौका चाहिए जहाँ लड़की देखी। चाचा जी आपकी शादी तो हो ही जानी चाहिए थी। ए होई तो थानू कहन दिया जी, जफरी दे जरिए जेन बनन दिया ते बढ़ाओ बिचों गल नबेड़ो। ये चचा है जी हमारा। जी बिल्कुल। हाँ, बड़ी जमीन है इसकी। हाँ जी। ओ वाकई। हाँ, चार पाई से नीचे उतरता जमीन खत्म हो जाती है। जी खवातीनों हजरात, मैं अब अपने जिन मेहमानों को बुलाने वाला हूँ वो भी किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मेरे भाई है छोटे, काफी नाम है उनका, बब्बू राणा नदीम बरा। जितने भी चैनल्स पे आप देख रहे हैं पैरोडी गाने हो रहे हैं, सबसे पहले चैनल पे गाना बब्बू राणा ने बनाया था। कागज पेंसिल नदीम बराल ने पकड़ाए थे। पैरोडी भी ये बनाउंदा है, गाने भी ये बनाउंदा है, घर का गुसलखाना क्यों नहीं बनाउंदा? अब्बा तिलक गया इहदा उत्थे। माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत हैं ते तुसी अपने बंदे किहो जिहे पाए ने जे खोए दा डिजाइन दिंदे तुहानू इत्थे आ गए। इंडस्ट्री में हीरो ज्यादा रोमांटिक होते हैं या डायरेक्टर? ये आप तीनों में से किनसे पूछ रही हैं? लैला जी से। लैला जी से। दोनों। सर मैं आपके लिए कुछ पीने और खाने के लिए मंगवाता हूँ। थैंक यू। जरूरी है। किससे मिलेगा मेरे लिए? ओ टुक टुक है।
है जो मेरे दिमाग को इसने लगाई हुई है। वो नहीं लगाई हुई यार, देखो कितना ज्यादती का बात है यार। हुआ क्या? मेरी बहन के चार भाई हैं और मेरा तीन है। अबे यार तेरी बहन के चार भाई है तो बाकी तीन है ना, तो तुझे डाल के चार पूरे हो गए। और जब मेरा बहन गिनते है तो चार होते है, मैं गिनते तो तीन होते है यार। ये कौन है भाई साहब? ये बबू राणा है। अच्छा बबू राणा वो जो पैरोडी गाते हैं? हां जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये पहला मेहमान है जिसे पठान ने पहचान लिया है। माशाल्लाह लैला जी आए। हां जी। क्या हाल है? ठीक ठाक है? वो काफी देर दा तुहानू पाशकूर ही समझ रिया सी। आज तो बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। शादी वादी किया कि नहीं? नहीं अभी नहीं। अभी नहीं किया? नहीं। कह रहा हूँ मैं अभी अपना अम्मी से बात करते हैं, अभी हो जाते हैं। क्यों? अभी देखो अम्मी से बात। साहब अम्मी से। हेलो हेलो अनवर। अनवर अम्मी नहीं है घर में। अनवर यार। अच्छा वो वलीमे में चिकन बनाने के मटन बनाने? किसकी? अरे भाभी तुम्हारा तकल्लुफ कर रहे, मटन ही बना लेना यार। अभी पूछते रुको। अच्छा, अच्छा शादी के बाद सिंगापुर जाने के दुबई जाने? ऊपर वाला कमरे सेट कर दो यार। हाँ हाँ मेरी बात ठीक है। ठहर जाओ, ब्रेक पे पाँव रखो। क्या हो गया? क्या तुम्हारी बहन की शादी है? पूछ तो मुझसे रहे हो। अच्छा नहीं नहीं मैं आपका शादी का बात कर रहा हूँ। इधर से बैठो, खत्म हो गया काल, खत्म हो गया, बैठो। मेरी शादी की बात? हाँ हाँ, उधर गांव में जाएगा, जिंदगी गुजारेगा उधर। बच्चा यार ये फिल्म स्टार है। अच्छा इनकी शादी सिर्फ फिल्मों में ही होती है बस। अच्छा जी बैठे। जी जी ये खिसका हुआ है। अच्छा आईसी। अच्छा आप समझ गए। वो सही कह रहे, वाकई खिसकी है। कैसे? और मेरे ना फिल्म देखने गया ना शहर में। अच्छा स्क्रीन पे शेर आ गए ना, बाहर दौड़ लाती। मैं कहा क्या हुआ? कहता तो शेर आ गया। मैं कहा वो तो फिल्म है। कहता ये तो मुझे पता है, वो तो जानवर है। अच्छा मेरी बात सुन। जी भाईजान ये अलहदा से आए हैं, वो अलहदा। अच्छा अलहदा अलहदा मेहमान है। हां ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आप जाती दफा खा लेना, मैं आपके लिए लेके आता। जी जरूर। अपने शो च बुला के जलील करा रहे तुसी? नहीं मुझे भी नहीं पता। तुसी बाहरों उठो खा लेना, मैं उन्हें इतने लिया देना। हाँ साहब याद है, उन्होंने भी उठे लैके जाने जिथे असी खाना। तमीज कर, तेन अकल नहीं कि मेहमाना नु कहना बाहर आके खा लेना, चल तू उठे पाओ आंदे ने। ये हमारी नादिया शेख साहब बड़ी अच्छी सिंगर है। अच्छा हाँ बड़ा अच्छा गाती है जी। इनको तो मैं जानता हूँ, ये ना डिफेंस में व्हील चेयर आगे लेके ना तो मांगती है। अच्छा जी कैसे? अल्लाह वास्ते दे, मौला वास्ते दे, अल्लाह वास्ते दे, मौला वास्ते दे, तेरे बचड़े जीवने, तेरी माँ जीवे, थोड़ा आटा दे। सब क्या बात है? मांगने से याद आ गया, कल मेरा घर में मेहमान आ गए। अच्छा फिर मैंने उनको वापस भेज दिया। क्यों भेजा है? वो यार मैंने सुना था कि मेहमान अपना रिज़्क खुद लेके आता है। फिर वो दोनों खाली आते, मैंने वापस भेज दिया। मेरे को लगता है कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है। अब क्या हुआ है? परेशानी पे परेशानी पड़ रहा है। जब मैं घर से निकलता हूँ तो पहले पीसीओ आते हैं, बाद में मेडिकल स्टोर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मैं वापस आता हूँ तो पहले मेडिकल स्टोर आते हैं, बाद में पीसीओ। चल निकले तो बाहर। मैं कहना तेन चल निकल बाहर। मैं कहना चले तो बाहर। जो मैं कहूंगा वही तू कहेगा। वो जो मैं कहूंगा वही कहेगा। तू फिर इतने खलो गेट ते, मैं जाना। तू फिर इतने खलो गेट ते, मैं जाना। जी बबू राणा साहब आप कुछ सुनाए। मैडम जी क्यों सुनना चाहिए इनसे? क्यों जी सुनना चाहिए कुछ? हो रे हमने किताब लिखी है, उस किताब के पहले सफे पर कप्तान 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 लिखा है।
देखो पहला सफा जो देखा अखा खुली रह गई हमजा बासी और मुराद सईद साहब मुराद सईद साहब रेहा ने किताब लिखी है थैंक यू जी खवातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद शो देख रहे हैं अफरा जफरी और आज हमारी मेहमान है फिल्म स्टार लैला हाय हाय मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या चीज है भाई एक मिनट जरा ये क्या चीज है जफरी भाई मैंने रशिया जाना है फुटबॉल का प्लेयर हूं मैं रशिया ना अबे बे क्या पता क्या पहला क्या बे लैला जी 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 हां हां मैं तो आपका बड़ा फैन हूं मैं अल्लाह खैर थोड़ा सा पीछे हो जाए अगर इसने काट लिया तो इसको 14 टीके लगेंगे जफरी जफरी यार हुआ क्या है तुझे भाई मैं तो अपना फुटबॉल का प्लेयर हूं मैं तो खेलने के लिए जा रहा था जी मेरा मतलब है कि थोड़ा उधर जा उधर ए, ए, उधर हाँ उधर हाँ, ज्यादा टोरो फेरो ना है मिट जाना अब मुझे बताओ किस चीज के प्लेयर हो ए, जी मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ फुटबॉल के हाँ हाँ इतनी इतनी तुम्हारी टांगे हैं ओह वेरी नाइस ओह अपना पूरा दास जिम्नास्टिक नहीं हाँ तुम जिम्नास्टिक कर रही मैंने पूछा फुटबॉल तुम इन टांगों से कैसे खेल लेते हो ऐसे अच्छा किस टीम की तरफ से खेलते हो तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है फुटबॉल की पाकिस्तान की टीम क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कभी जीती ही नहीं लैला जी 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 एक दो पहेली आपसे पूछनी है व्हाट्स रॉन्ग विद यू नो आई एम रॉन्ग नी एंड टू सी अच्छा लैला जी आपसे एक पहला सवाल है जी एक पार्क है वहां पे चार गधे खड़े हैं उन चारों में से कौन सा गधा समझदार है मेनू ते वो दो खोते समझदार लग रहे जेड़े बैठे हैं आपको एक बात बता दूं अगर आपने इस सवाल का आंसर सही ना दिया हाँ। तो आपको इसमें से एक पर्ची उठानी पड़ेगी और पर्ची में जो लिखा है वो आपको करना पड़ेगा अब सोच समझ के आप जवाब देना पर्ची उठानी पड़ेगी गधे वैसे सारे बेवकूफ होते हैं मैंने ही सुना है जी तो गधे तो सारे बेवकूफ होते हैं इसलिए उनमें कोई समझदार नहीं है नहीं है कौन सा तीन बड़े हैं एक छोटा है हाँ हाँ जो छोटा है जाहिर है वही समझदार होगा क्योंकि तीन तो बड़े गधे हैं पर्ची साइन आपने कहा था चार गधे हैं चार छोटा भी गधा वो कौन सा ये है मैम ये पर्ची उठाएं आप प्लीज यार ये तो चकलो मेरी खातिर चकलो बीच लिखे हुए चाचे दी दुल्हन बन जा चीटर है लिखा कुछ और बता और देंगे क्या जी इसमें लिखा है कि गाना सुनाएं गाना जी यार आई एम नॉट अगर आप गाना सुनाएं और साथ हल्का सा परफॉर्म करें तो मैं समझता हूं कि ऑडियंस तो बस देख कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला लैला मिलेला ऐसी हूँ लैला हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला जी वो कौन सी चीज है जो आगे से तो अल्लाह पाक ने बनाई है और पीछे से इंसान ने खुद बनाई है
वो है वो गधा गाड़ी भी है और घोड़े के पीछे जो होता है टांगा. सॉरी लैला जी, आपका जवाब गलत है. क्यों? आप मेरा कहने का मतलब है जवाब सही है तो पर्ची उठाएंगे आपके फैन. फैन नहीं उठाऊंगा. अबे पर्ची उठा ले शेख रशीद के सिगार. ये पर्ची उठाएं जी. अच्छा मुंह से उठा ले, हाथ और मुंह एक ही तो हैं. मैं करके टुकले पर्ची. नॉट अ बिग डिफरेंस. ये आपके फैन ने पर्ची निकाल दी. ओह माय गॉड, कितने दिल से कर देना. आपकी पर्ची निकली है और इसमें लिखा हुआ है, आप देख ले, ये लिखा हुआ है, देखे ये लिखा हुआ है कि ये जो वेस्पा है ना, ये आप समझे कि फिल्म स्टार लैला है. और अब ये फिल्म स्टार लैला है, आपने इनके साथ डायलॉग भी बोलने हैं, गुस्से वाले भी, प्यार वाले भी. पता चल जाता काका तो किड्डा को फैन है. लैला मैनू गणी शो छड्ड गया. लैला क्या नसीब पाया मैंने, मैं तुम्हारे पीछे खज्जल हो रहा हूँ और तुमने मुंह मोड़ के बैठी हो. क्या हो गया लैला तुम्हें? ध्यान तो दो मेरी तरफ लैला. ले, उसने उधर ही रहना, तूने उसके सामने आना है, तभी तो उसने तुझे नीचे देना है. उधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है लैला? लैला मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लैला. ओह माय गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो लैला मैं रूठ के चला जाऊंगा. Keep it up. लैला पिछली गद्दी तो सही करो रहा नहीं. मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ लैला. ओह माय गॉड, लैला मैंने थल्ले ना दे दी. लैला बादल गरज रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, बारिश पड़ रही है और आपने कोई इस पे डायलॉग बोल रहा है. ये लैला है जो मेरी तरफ देख रही है, तुमसे रूठी हुई है. लैला, लैला तुम मुझसे रूठ गई हो. तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. सारी रात मैं तुम्हारी क्लच की तारें पुआता रहा. क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं कि मिस्त्रियों की तरह किस्त बड़ा साथ में देता रहा? लैला आराम से, आराम से. रोमांटिक, रोमांटिक, रोमांटिक. लैला कभी सोचा है तुमने कि कितना पेट्रोल खानी है तू? चले, आपकी मोहब्बत देख के, आपका प्यार देख के, आपका इश्क देख के मुझे लगता है आप इससे जो बात करेंगे जवाब लैला देगी. आप सच बताओ मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती? अभी तक नहीं. क्यों 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 नहीं लैला? मेरी तरफ ध्यान दो, क्यों उधर कर देती हो ध्यान? तुम्हारी तरफ क्या ध्यान दूं, तुम नजर ही इतने से आते हो. कोई गाना. सांसों को सांसों से मिलने दो जरा. इतनी जल्दी नहीं. गुजारिश है जी, पास आओ ना. हम लैला है वो. बदतमीजा लैला दे मेहंदी ते पैर रख गई. एक दो और मौके देते हैं, इम्प्रेस करो मुझे. मैं तुम्हारा हेडलाइट का शीशा पुआ सकता हूँ. लैला मैं तुम्हारा हर नवा दलवा सकता हूँ. लैला मैं तुम्हें हर रोज ग्रीस से करवा सकता हूँ लैला, ताकि तुम कहीं जगह पे रुको ना, मेरे पीछे पीछे चलती रहो. लैला तेनू मौला दा वास्ते ही मान जा लैला. की खबर दिनों रात कहीं मच जाएगा. मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद. खवातीन हज़रात वेलकम बैक. जी नादिया शेख साहबा, आप क्या है आपके पास जो आपको लगे कि आप ये महफिल लूट सकती हैं? रिसेंटली अपना एक ट्रैक लॉन्च किया है. अच्छा? सजनावे के नाम से. जी तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को यहाँ पे मैं शो में सुनाऊं ताकि आप लोग भी उसको एंजॉय करें. मुझे तो पर्सनली वो ट्रैक बहुत पसंद है. आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए.
हमारे मुल्क में वाकई बहुत ज्यादा टैलेंट है. अब ये मेरे हिसाब से तो आउट क्लास गाना है. आप इसके बारे में क्या कहती हैं? आप देख लें, पिछले काफी सालों से हमारे पाकिस्तान का कितना टैलेंट गया है. जब वो पाकिस्तान में था तो कोई पूछने वाला नहीं था. जी. एक दफा वो इंडिया गए और अब पूरी दुनिया में छा गए. वाओ. क्या हो गया? मेरे मोले जट नु किते वेखिया है वीरा? किसको? मोले जट नु. क्या तितली तुझे हो गया? वो दौर गुजर गया. अब कहां मोला जट? नहीं, मेरा मोला जट है वे. ए जे जे लबन डई सी, मैं समझया को पठे वाली बोरी को आची है. कुछ मौला दे नाम दा. ओ तेनु मौला ने बड़ा देना ही. मारन लगा तू घोड़ा सी एन जी दी नहीं करा लिया? समझा ले रोशना. ये हो क्या जाता है? तुम्हें सुन हो जाते हो. क्या हुआ क्या है? फिल्म मौला जट देखी है? हाँ देखी हुई है. जार वर्ष करके वे हो इंज करदा है के नहीं? लेकिन लेकिन ये आप ऊपर क्यों देखते हैं? यूं यूं इन्हें भी लगता फिल्म नहीं देखी. असल च ना एक बंदा मौले जट दी अम्मी दा पर्स खो के लै गया. उन्हें लभन डया कदी आया नूं जट वैसी हो गया ही. तेरे सारे जाले ला के. अब मौला जाट तो ये कौन है? ए मेरी मुखोए. आपको लगता है लाला जी ये मुखो है? बल्कि मैं कहना है तो नहीं के मेरना ते मुखो. वो पुलिस वाले नहीं कहते मेरना मुखो. वो वे मौलिया की गल बोली? बोल, मैं नेहरू पार खड़ोती हूँ. लगता फिल्म नहीं देखी. ओ एनजी बोलता सी. मौला जाट साहब, आप मुझे लगता है कोई वो वाली मौला जाट देख बैठे जिसकी सीडी अड़ रही थी. इतना भी पॉज नहीं है क्या? वो तो ऐसे कहते थे कि आप मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मरता पा. और टिप्टी जा जाके मेरे वैरियर नु दस दे क्या जदो भी कतल करागा ओलादे वेड़े दे विच आग करागा. और जो और जो विलन थे हमायूं क्राई साहब, वो भी ऐसे बोलते. ए एक कतल ऐसी जो तो बै छोटे जे नसा ते एक कतल इते आज होएगा. क्योंकि मैनु कट के तू कल्ला ही खोते दा पुत्र. फाड़ ते जा मेरा पुत्र सही तरह मौला जट धोता आके बन के आ. मैं सही मौला जट गंडासा जट दे कोल सी. ते दे ना की करना सर? ते ना मैं बेकरी चो रस कट के देना वा. अच्छा मौला जट साहब, आज की फिल्मों में और कल की फिल्मों में क्या फर्क है? मैं जिंदा सी तो फिल्मां अच्छियां बन दिया सी. मैं दुनिया तो चला गया ते फिल्मां भी चलिया गईयां. अच्छा वैसे लैला जी, एक फरमाइश है, एक फरमाइश. ठीक है मौला जट साहब,
अपनी मुखों के साथ आपके इतने हिट गाने हैं, दो तीन लाइनों पे कोई गाना की पांच इनका वो गाना हम आपको गाना हम आपको सुनाएंगे, लेकिन हम हीरोइन बदलेंगे। नहीं नहीं नहीं, इनके साथ लैला जी देखे मेरी बात सुनो, वो तो उसकी मुखो है ही। हाँ ना, इनके बात तो ये है कि जब आप साथ मुखो बनेगी तो सितारे अपना बोला जाता साहब मैं लगता है डायलेक्ट बोल के घर बच्चे ही याद आए, पता नहीं रोटी खाधी नहीं खाधी, पता नहीं उसके रजाई बच्चे दे है नहीं है, पता नहीं पागल वाली कार है कि कितने बाहर गई यार। ओए मरासी मेनू खुश कर रहा है कि मौला जट कुछ देगा। अल्लाह तेरे को ते अपने घोड़े नू खुरिया लुआन जो के पैसे नहीं है। अच्छा वाकई वैसे जो हमारी पाकिस्तानी फिल्में थी, अल्लाह सुल्तानी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, सीनियर फनकार थे, उनकी फिल्में होती मजे की थी। मिसाल के तौर पे के माँ ने घर आके कहा कि वह मौलिया जंज बुए ते आ गई हूँ, अगू उन्हें डायलॉग ही होते अपने पैरों ते वापस नहीं जान गए। आप इधर आए लैला जी, जी 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 इधर आए अपना मौला जाट साहब। तुसी भी असली हो के मेरे को नकली बन के फिर रहे हो। अच्छा ये आपके हीरो हैं, आपने इनके साथ एक डायलॉग बोलना है। हाय हाय हाय, ठीक है। वे मौलिया, वे मैं तो तेरी बन गई हूँ, तू मेरा क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता। ठीक है, हाय हाय, ओके। जी लैला जी। मौलिया, मौलिया। ओ कुड़ियाँ नू नहीं सी मुँह लाऊंगा। वे मौलिया एक जगह से तो खलो। मैं ते बन गई हूँ। मौले आप समझो आप घोड़े पे हो, साल लड़की है। वे मौलिया, थोड़ा ते इधर वेख। खलो जा, गल हो रही है। वे मौलिया तेनू रब दा वास्ता ही। हाँ। थोड़ा ते मुँह इधर कर सुनिया। अल्लाह मुठियारे। मैं ते तेरी कदों दी बन गई हूँ, तू मेरा क्यों नहीं बनता, क्यों नहीं बनता। वो अपने घोड़े दा नहीं बनिया, तेरा कटा बनना। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਤੂੰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਲਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਪਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਟਿਆਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਓਏ ਮੌਲਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਐ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਲੈਲਾ ਦੇ ਸੂਟ ਚੋਂ ਲਿਆਈ ਯਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਧੋਤੀ ਚੋਂ ਸੂਟ ਬਣਵਾਇਆ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨੱਤਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖੂਨ ਵੇਖ ਲਾ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੇਰਾਂਗਾ। ਮੌਲਿਆ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਇਹ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ। ਮੌਲਾ ਜੱਟੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜੋਗਰ ਬੂਟ ਲੈਤੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਦਾ। ਮੌਲਾ ਜੱਟੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਵੇਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਗੁਲਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੋ? ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ? ਹਾਏ ਕਾ 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 ਇੰਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਲਾ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਇਧਰ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਏ ਆਪ। ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈ मेरी बात सुने, अब आप जाने का क्या लेंगे? आप पैसे कितने कितने इतने बड़े तो क्या कर ले आपने? पाजी मैं ना दरअसल बेचना नारकली नाले परांदे ना।
ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰਾ ਮੰਦਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ। ਜੀ ਖਵਾਤੀਨੋ ਰਾਤ ਕਈ ਮਚ ਜਾਈਏਗਾ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। वेलकम बैक खवातीन उदरात, आप शो देख रहे हैं अफरा जफरी और आज हमारी प्यारी सी मेहमान है लैला जी। लैला जी, अब हमारे शो का एक सेगमेंट है, आपको इस कटहरे में आना पड़ेगा, ये है आवाम की अदालत। प्लीज आप इसके ऊपर हाथ रख के कसम खाएं कि जो कहूंगी झूठ कहूंगी, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाथ रखे, मैं जो कहूंगी झूठ कहूंगी, झूठ कहूंगी झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जी आपसे पहला सवाल है, सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन लगती है आपको? पांच के नाम बताएं। हैं? और आप एक बात ज़हन में रखिएगा, आपने हलफ दिया है जो कहेंगी झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। ये बात सुने, पांच हीरोइनें आप कह रहे हैं, टोटल आज के दौर में हैं कितनी वैसे? नुसरत शहीन एक तो पता क्या, सारी टीवी से आई हुई, नाम नहीं आते उनके मुझे। अच्छा, आप अपनी पुरानी कोई हीरोइनों के नाम बता दें। यार सारी सुपर हिट हैं, कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्या करूं? यानी कि झूठ में भी थोड़ा सा सच रख गई हैं। अच्छा जी, आप एक सवाल का और जवाब दें, कभी आपका किसी ने तारफ करवाया हो कि लैला, और अगले बंदे ने कहा हो नहीं ये तो इंसान है? कभी ऐसा हुआ? ये हम उसे सवाल कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मतलब वो आपने लैला कहा और वो लेला समझ रहा हो। कभी ऐसा हुआ है? हाँ ऐसा हुआ है, और वो एक शो में हुआ था, उसमें आप मेरे साथ मौजूद थे और आप ही ने कहा था। अच्छा, मीरा कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। ऐसे मीरा जी भी क्या बात है, पिछले दिन मुझे मिली, मैं क्या आप लाहौर में नहीं थी काफी दिनों से, क्या आपसे कहते हैं, हाँ जी मैं आइस विंडो गई हुई थी, बर्फबारी देखने गई हुई थी। आपसे अगला सवाल है जी, कि आप कोई अच्छा सा अपना स्कैंडल बताएं। अब बस वो स्कैंडल बनते बनते रुक गया, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से जफरी खान के साथ शो कर रही हूँ लाहौर में, अल्फला में, तो हर दफा मेरे हीरो ये होते हैं ना, तो वो होता ही है कि इनकी मेरी सेट पे जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। जो राइटर ने 2 लाइनें लिखी होती हैं वो 20 बन जाती हैं, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि अंदर कि मेरा की बात कोई स्कैंडल तो नहीं है, जो नहीं था झूठ बोलना सी, मेरा ख्याल है तो गलत सच्ची निकल आई है। लैला जी आप जब से आई हैं तब से भी ब्लश ब्लश कर रहे हैं, तो शायद कुछ क्या कर रहे हैं? ब्लश। अच्छा, तुम्हारी कुछ बातों की मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे लिख के दे दे करो, मैं घर जाके पढ़ लिया करूंगा उनको। जी आपसे अगला सवाल है कि आप फिल्मों में अक्सर औकात हीरो की या हीरो के बड़े भाई की या विलन की या किसी की बीवी बनती हैं, आप इतनी फिल्मों में बीवी बनी है, कभी ऐसा हुआ है कि शूटिंग के बाद आपको वो बंदा खामद खामद लगना शुरू हो गया? अच्छा, 2-3 फिल्मों में शान की बीवी बनी हूँ मैं। एक उस दिन के वो परेशान है। शान मेरा बहुत बेस्ट बडी है, ये कटहरे से हटके बात हो रही है, शान मोमर आना दे आर माई बेस्ट बडी। यानी कि इसका मतलब आप उनको नहीं देखना चाहती? क्या मतलब, यहाँ पे तो झूठ बोलना नहीं, मैंने पहले कह दिया कि कटहरे से हटके बात कर रही हूँ मैं, जो भी कहना है कटहरे में रहना, आपने कसम खाई जो कहोगी झूठ कहोगी झूठ के सिवा। अच्छा सुने सुने सुने, आपको शान जरा अच्छा नहीं लगता? ये शान बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है? नहीं बाबा जी, ये वाली बात इस सेगमेंट से हटके है। अच्छा, यानी कि आपको शान साहब पसंद है, अच्छे लगते हैं, उमर राना अच्छा लगता है, जफरी खान अच्छा लगता है, अपना मैंने वैसे ही कहा है। आपसे अगला सवाल है, सुना है कि आप बहुत 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 ज्यादा कंजूस है, कि अगर आपके घर में 2 मेहमान आ जाए, आप 1 चाय का कप बनाती हैं और 2 कपों में उनको 50-50 करती हैं, और 1 बिस्किट रखती हैं उसमें भी आधा उसके लिए आधा उसके लिए, और वो जब मेहमान बातें करना शुरू हो जाते हैं वो 2 कप आप खुद उठा के चाय पी लेती हैं। इतना बड़ा सच किसने बता दिया? क्या ये हाँ या ना?
ये इतना बड़ा सच, हाँ या ना? किसने बताया? बस मुझे किसी ने बताया, आप बताए हाँ या ना? हाँ। लैला जी, आपने इतनी मूवीज की हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई मूवी आपने एक्सपेक्ट की हो कि ये तो सुपर डुपर हिट होने वाली है और वो उतनी फ्लॉप हुई हो? वो तो फिर अब लिस्ट निकालनी पड़ेगी। कोई एक मेरा कहने का मतलब है वो सोचना पड़ेगा यार, उल्टी बात आप लेके ना जाया करो। जी जवाब दे। नहीं फ्लॉप ऐसे स्ने भी, मैंने एक मूवी की थी लव इन हॉलैंड, और लव इन हॉलैंड में मुझे सही लव हो गया था। इट वाज माय फर्स्ट। सुना उसमें जो हीरो है वो हाथी था? नहीं जी, आज का कामयाब हीरो टीवी आर्टिस्ट एहसन खान। जी नादिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल्द जल्द। जी मैं लैला जी से सवाल करना चाहती हूँ, आप जो इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह खूबसूरत है, इसका क्या राज है? इतनी स्मार्ट है आप, इतनी प्यारी है, कैसे? टेंशन ही नहीं ली उन्होंने। इसका कोई राज नहीं है, लेकिन पिछले एक सवा साल से इतनी बैक टू बैक प्रॉब्लम आई है, उसके बावजूद ये सिर्फ अल्लाह की कोई खास रहमत है, मैंने कुछ नहीं किया। एक सवाल उसका आप जवाब दें, आपको अफरा ज़फ़री शो में आकर कैसा लगा? आई हैव नो वर्ड्स, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सेट, बहुत अच्छा है, और आपके बारे में तो पूरी दुनिया आपकी फैन है यार। आपके जो फैंस हैं या जो लोग हमारा शो देख रहे हैं घर में, फैमिली देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, आपस में यूनिटी बहुत जरूरी है, वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और उससे बड़ी बात यह है के गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। वाह जी। ख्वातीनों हज़रात, आप देख रहे थे शो अफरा ज़फ़री। अब मेरे शो का टाइम खत्म होता है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।